हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या इसको हम लोग होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई चीज़ करते हैं जिससे हम लोग ये घर पर ही हमारा किडनी स्टोन आसानी से निकल जाए, इन सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो जब भी किडनी स्टोन की बात आती है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पथरी, तो भाई आपके अंदर में यदि किडनी स्टोन है आपके किडनी में या फिर कोई भी इंटरनल पार्ट में, तो उसको पाल पोस करके बड़ा मत करो, उसको जल्दी से जल्दी निकालो। जैसे भी जो भी प्रॉपर मेथड है उससे उसको निकाल देना चाहिए, अदरवाइज ये जब बड़ा हो जाएगा, किडनी का जो स्टोन है वो बड़ा हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा नाम होता है कि आपका ऑफिशियल नेम कुछ होता है, घर में लोग कुछ और बोलते हैं, दोस्त लोग कुछ और बोलते हैं, वैसे किडनी स्टोन का भी अलग अलग नाम है। इसको यूरोलिथियसिस भी बोलते हैं, इसको रीनल कैलकुलाई भी बोलते हैं या फिर नेफ्रोलिथियसिस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पथरी। तो ये सब नामों से जाना जाता है और इसका हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम, तो यहाँ पर ये हमारे पास दो किडनी होता है, एक हमारे पास ये लेफ्ट में होता है, एक राइट में होता है। उसके बाद दोनों किडनी से ही यूरेटर निकला हुआ होता है, मतलब यहाँ पर से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। किडनी में क्या है, जो हमारा ब्लड आता है उसका फिल्ट्रेशन होता है, वहाँ पर से यूरिन निकलता है, और जो यूरिन है वो निकल करके इस यूरेटर के थ्रू एक पाइप की तरह होता है, यहाँ पर ब्लेडर में आके जमा होते रहता है हमारा यूरिन। अब इस ब्लेडर में यूरिन जमा होता है और जब सफिशियंट यहाँ पर यूरिन जमा हो जाता है तो हमें यूरिनेशन का जो फीलिंग है, सेंसेशन है, वो आता है और हमें लगता है कि हमें यूरिन करना चाहिए। तो हम लोग फिर यूरिन कर देते हैं थ्रू दिस यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग यूरिन पास कर देते हैं। तो बेसिकली जो किडनी स्टोन होता है, ये किडनी में फॉर्मेशन होता है और वो क्या होता है, एक टाइप का क्रिस्टल है, वो धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। तो वही किडनी स्टोन होता है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन सबका डिस्कशन हम लोग अभी आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिम्टम की बात करेंगे। तो पहला सिम्टम होता है पेन का, विच में फ्लक्चुएट एंड रेडिएट। तो जो किडनी स्टोन का पेन होता है, जब जो स्टोन है, किडनी का स्टोन है, वो जब मूव करता है तब हमें पेन करता है। यूजुअली एक जगह जब वो रहता है तब कोई पेन नहीं होता है, तो जब भी मूव करेगा तो पेन करेगा, फ्लक्चुएट होता है, मतलब वेव्स के फॉर्म में होता है। कभी अचानक इंटेंस बढ़ जाएगा पेन, कभी डाउन हो जाएगा, कभी पेन नहीं रहेगा, फिर अचानक से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लक्चुएट करता है प्लस रेडिएट करता है, मतलब जैसे जैसे आपका किडनी स्टोन जहाँ जहाँ पर मूव होते जाएगा वहाँ वहाँ पर पेन होते जाएगा। तो यूजुअली देखा जाए तो ये जो किडनी स्टोन है, मान लो मेरा राइट किडनी में स्टोन हुआ है, तो इधर पर ये वाले एरिया में मुझे बाजू में यहाँ पर पेन होगा, प्लस इधर पर पीछे साइड में पेन होता है, क्योंकि जो किडनी का लोकेशन होता है वो पीछे एक साइड को होता है, बिकॉज इधर सामने के साइड में तो इंटेस्टाइन वगैरह होता है। और कई बार ये पेन जो है ग्रोइन एरिया में होता है। ग्रोइन एरिया क्या होता है, हमारा जो पेट का ये जो है एब्डोमेन का नीचे वाला पार्ट और जो अपर थाई है उसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम लोग ग्रोइन एरिया बोलते हैं यहाँ। तो यहाँ पर भी कई बार किडनी स्टोन के कारण पेन होता है और ये रेडिएट करता है, मतलब जहाँ जहाँ पर किडनी स्टोन मूव करता है वहाँ वहाँ पर पेन बढ़ते जाता है, और ये सिग्निफिकेंट सिम्टम यही है कि इसमें पेन होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स। तो आपका यूरिन एबनॉर्मल हो, मतलब उसमें यूरिन में आपका बर्निंग सेंसेशन हो, ऐसा लगेगा कि यूरिन जल रहा है, या फिर डिस्यूरिया हो, मतलब बार बार यूरिन जाने का अर्ज हो, या फिर आपको रेड ब्राउन या फिर पिंक यूरिन आ रहा हो, मतलब जो नॉर्मल यूरिन का कलर होता है वो तो वाइट होता है, सुबह जब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा येलोइश होता है, तो वो कलर छोड़ करके आपका यूरिन यदि रेड ब्राउन या फिर पिंक कलर दिखे तो आपको किडनी स्टोन का चांसेस रहता है। इसके अलावा आपका जो यूरिन है क्लाउडी हो, मतलब नॉर्मल क्लियर ना हो, क्लाउडी थोड़ा सा प्रेसिपिटेट सा आ रहा हो, ठीक है, वाइट वाइट सा आ रहा हो, तो उस कंडीशन में, या फिर आपके यूरिन में फाउल स्मेल आ रहा हो, मतलब किसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे टाइप का स्मेल आ रहा हो यूरिन में, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं किडनी स्टोन के। इसके अलावा आपको एक्सट्रीम कंडीशन में कई बार किडनी स्टोन की वजह से दर्द होगा और इतना दर्द होता है कि उससे नौजिया और वोमिटिंग वगैरह भी हो सकता है। इसका जो किडनी स्टोन का पेन होता है नॉर्मल नहीं होता है, काफ़ी तेज दर्द होता है, ऐसा लगता है कि कोई कहीं पर किसी ने यहाँ पर चाकू घोंप दिया है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। तो इसमें सबसे पहला होता है कैल्शियम स्टोन, जिसमें हमारा प्रेजेंट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो हमारे किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है वहाँ पर कैल्शियम ऑलरेडी हमारे यूरिन में प्रेजेंट रहता है, और कई ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ पर ऑक्सलेट आ जाता है, तो कैल्शियम अलग है एक सॉल्यूशन में रहता है, ऑक्सलेट अलग है, जब दोनों मिल जाते हैं तो एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, और वही हमारा क्या है, वही हमारा किडनी स्टोन है।
तो बेसिकली जो ऑक्सलेट कहां से मिलता है, लीवर इसका प्रोडक्शन करता है, प्लस कुछ डाइट्स ऐसे हैं जहां पर से ऑक्सलेट मिलता है, जैसे कि आपका स्पिनच हो गया, मतलब पालक हो गया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं जिसमें सीड्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो वो सारे ऑक्सलेट को कैरी करते हैं और अल्टीमेटली कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल बन जाता है। इसके अलावा कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनको वाइटामिन डी का सप्लीमेंट दिया जा रहा होता है, या फिर जिनका पैराथायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव होता है, ये जो एडम्स एप्पल होता है इसके नीचे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, और वो कैल्शियम का अमाउंट जब इंक्रीज हो जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बनने की प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। बट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल बनने के लिए ऑक्सलेट जरूरी है, इसलिए जो ऑक्सलेट जहां से आ रहा है उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कैल्शियम स्टोन है मैक्सिमम लोग को यही होता है, इसके अलावा और भी स्टोन होते हैं, जैसे कि सेकंड नंबर पे आता है स्टुआइट स्टोन, तो ये भी कई लोगों को होता है, बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से स्टोन होता है और इसमें कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन होने लगता है। इसमें थर्ड टाइप होता है यूरिक एसिड स्टोन, मतलब जो यूरिक एसिड है वो जमा होकर के स्टोन के फॉर्म में बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूरिक एसिड स्टोन। ये कब बनता है, जब कोई क्रोनिक फ्लूइड लॉस हो रहा हो बॉडी से, जैसे किसी को क्रोनिक डायरिया चल रहा हो, या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन हाई प्रोटीन डाइट ले रहा हो कंटिन्यूसली, या फिर उसको डायबिटीज हो, या फिर कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, तो उस सब कंडीशन में यूरिक एसिड स्टोन भी बन जाता है। इसमें लास्ट होता है सिस्टीन स्टोन, तो ये एक टाइप का जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब हेरिडिटी, मतलब किसी पेरेंट को है तो पेरेंट से बच्चे में हो सकता है। और इस सिस्टीन स्टोन में क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप का एमाइनो एसिड का सिक्रीशन किडनी से होने लगता है और वो फिर सिस्टीन का फॉर्मेशन कर देता है, जो एक तरीके का स्टोन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायग्नोसिस ऑफ किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन है वो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा, तो इसका फर्स्ट डायग्नोसिस करते हैं फ्रॉम सिम्टम्स, जैसा हमने पहले सिम्टम्स बताए उसके अकॉर्डिंगली ये डायग्नोस हो जाता है, प्लस इसमें कुछ कंफर्मेशन भी हमें करना पड़ता है, तो कंफर्मेशन के लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, ब्लड में यूजुअली कैल्शियम या फिर यूरिक एसिड कितना है उसका कंसंट्रेशन देखते हैं डॉक्टर्स, उसका टेस्ट कराते हैं, उससे एक आइडिया लग जाता है, उसके बाद फिर यूरिन टेस्ट कराते हैं, तो यूरिन में देखते हैं कि उसमें क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना है। दूसरा एक और चीज़ ये जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट और सिम्टम्स है ये इनडायरेक्ट है, मतलब हम लोग इनडायरेक्टली इससे बताते हैं, इसके अलावा हमें डायरेक्टली भी देखना पड़ता है, जैसे इमेजिंग टेक्नोलॉजी, उसमें डायरेक्टली हम कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल हो या फिर कोई भी किडनी स्टोन है उसको देख सकते हैं, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड, उसमें डायरेक्टली जो स्टोन है वो दिख जाता है, या फिर सिटी स्कैन करते हैं उसमें भी दिख जाता है, एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में क्या होता है जो छोटे क्रिस्टल्स हैं वो नहीं दिख पाते, जो बड़े हैं वही दिखेंगे, तो एक्सरे आजकल यूजुअली नहीं प्रीफर किया जाता है क्योंकि जो छोटे छोटे किडनी स्टोन हैं वो दिखेंगे ही नहीं, बड़े वाले बस दिखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, तो इसमें सबसे पहला होता है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, यूजुअली हम लोग को जो 3.3 लीटर पर डे पानी पीना है, तो उतना पीने से आपका चांसेस ये रहता है कि जो किडनी का स्टोन है धीरे 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 करके डिसॉल्व होकर के बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट होता है पेन किलर्स, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देते हैं पेन किलर्स, जैसे कि आइबुप्रोफेन वगैरह। नेक्स्ट इसमें देते हैं अल्फा ब्लॉकर्स टू डायलेट यूरेटर्स, तो अल्फा ब्लॉकर क्या करता है, वो जो यूरेटर होता है वहाँ पर आकर के किडनी का जो स्टोन है वो फंस जाता है, वो मूव करता है ना किडनी से, तो वो वहाँ पर से निकलने में दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस कंडीशन में उस यूरेटर को डायलेट करने के लिए अल्फा ब्लॉकर देते हैं, उसको डायलेट ऐसे चौड़ा कर देता है, अंदर का जो पाइप है उसको रिलैक्स कर देता है, तो जो स्टोन है थोड़ा आसानी से पास हो जाता है। इसमें नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है साउंड वेव्स, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई ग्लास में पानी ले लें और ज़ोर ज़ोर से साउंड चलाएं तो उस साउंड की वजह से पानी ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, उछलने लगता है, ऐसे उसमें तरंग आने लगती है, तो सिमिलरली साउंड वेव्स देते हैं, तो साउंड वेव्स की वजह से भी कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल है या फिर जो भी स्टोन का क्रिस्टल है वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने लगता है और ब्रेक होकर के धीरे धीरे टूट करके वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लाइथोट्रिप्सी, तो ये एक टेक्निक होता है। इसके अलावा फिर सर्जरी करना पड़ता है, ठीक है, तो सर्जरी जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलाइथोटॉमी, तो इसमें जो सर्जरी किया जाता है यूजुअली यहाँ पर बैक साइड में आजकल एक होल किया जाता है और उसके थ्रू फिर स्टोन को लेजर सर्जरी से निकाल लिया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट होता है सर्जरी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, तो यदि आपका ये वाला जो ग्लैंड है जो एडम्स एप्पल के नीचे रहता है, तो पैराथायराइड ग्लैंड यदि हाइपर एक्टिव है जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है हमारे बॉडी में, तो कई बार उसका भी सर्जरी करना पड़ता है उसकी वजह से यदि किडनी स्टोन हो रहा है। तो ये तो हो गए कॉमन ट्रीटमेंट्स जो सारे टाइप के किडनी स्टोन में काम आते हैं। इसके अलावा
कुछ ऐसे होम रेमेडीज है जिससे भी किडनी स्टोन टूट टूट करके बाहर निकल जाता है, ऐसा बोलते हैं। मतलब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जैसे आपका ब्रायोफिलम होता है, पत्थर चट्टा, उसका 2-3 लीव्स को ऐसे चबा करके खा लो, उसके बाद फिर पानी पी लो या फिर उसका जूस बना करके पी लो डेली, तो उससे किडनी स्टोन है वो टूट करके निकल जाता है बोलते हैं, और कई लोगों का ऐसा होता भी है। इसके अलावा जो कुल्थी होता है, हॉर्स ग्राम जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जिसका माइक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, तो हॉर्स ग्राम को लेकर के उसको उबाल देते हैं, 2-3 ग्लास पानी डाल के उसको कंसनट्रेटेड कर देते हैं, फिर जो पानी है उसको पी लेते हैं सूप की तरह, तो उससे भी कई लोगों का जो किडनी स्टोन है निकल करके बाहर आ जाता है। यदि आपका किडनी स्टोन 1 mm से नीचे है तो यूजुअली बेनिफिट होता है, बट मेरा तो यही सलाह है कि जब भी आपको किडनी स्टोन जैसे सिम्टम्स आ रहा है तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब इसके कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। जैसे आपको कैल्शियम स्टोन है तो उस कंडीशन में आपको दिया जाता है थायराइड डायुरेटिक्स, या फिर आपको फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशंस दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि आपको यूरिक एसिड स्टोन है तो उस कंडीशन में आपको दिया जाता है एलोप्यूरिनॉल, और उसके बाद फिर आपको साथ में एल्कलाइजिंग एजेंट भी दिया जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेना है, खुद से नहीं खाना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रोवाइट स्टोन। तो स्ट्रोवाइट स्टोन में क्या होता है, एंटीबायोटिक्स दिया जाता है पहले, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है उसको कम किया जा सके, उसके बाद फिर उस स्टोन का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है सिस्टीन स्टोन। उसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, लेस प्रोटीन, मतलब आपको प्रोटीन वगैरह कम खानी है, लेस सॉल्ट, आपको नमक वगैरह कम खानी है, मतलब एकदम कम नहीं खानी है, नॉर्मल खानी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। मोर फ्लूइड, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, और सिस्टीन डिजोल्विंग मेडिसिन वगैरह कुछ आते हैं तो वो भी दिया जाता है। तो ये सारा चीज़ करने के बाद जो आपका किडनी स्टोन है वो ठीक हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।